दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र में लिखा गया है, येषा न विद्या न तपोदानम ज्ञानम न शीलम न गुणोधर्म ते मृतलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृग श्रांति। यानी जिसके पास विद्या त्याग ज्ञान शील गुण धर्म में से कुछ भी नहीं है, उन मनुष्य की लाइफ ऐसी होती है जैसे मृग की होती है। वो जानवरों जैसे भटकते रहती है। और इन सारी चीजें आप एक हैबिट को सुधार कर सही कर सकते हैं, और वो है आपका डेली रूटीन। वेद शास्त्र उपनिषद और कुरान, इन सभी में आपको एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी और वो है दिनचर्या, आपका डेली रूटीन। आप खुद ही सोचिए आपको वैदिक दिनचर्या की कितनी चीजें पता है। ब्रह्म मुहूर्त बस एक, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना क्या है ये पता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 लोगों का आंसर होगा नहीं पता है। लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अरे वही फालतू बातें संस्कृति धर्म, पर क्या सच में आपको क्या लगता है इतनी सी उम्र में सब चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 कुरान, 108 उपनिषद है। पहले इन सभी को पढ़ो और जानो, और ये जो हम आपको डेली रूटीन बताने वाले हैं इन्हें आप कुछ दिन ट्राई करो और फिर बात करते हैं। ये जो आप गलत समय पर खाते हो, गलत समय पर सोते हो और गलत समय पर उठते हो, आपको क्या लगता है इन सभी हैबिट को अपनाने से आपकी टेंशन कम होगा, आपकी माइंड पावरफुल होगा? कभी नहीं। तो आखिर क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन, चलिए बारीकी से समझते हैं। देखो इस एक वीडियो में पूरे दिनचर्या को समझाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में। प्रभाषचर्या, साधनाचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या और अंत में आपको वो मंत्र बताएंगे जिनका आपको रोज पाठ करना चाहिए। शुरू करते हैं प्रभातचर्या की। देखो प्रभातचर्या में सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 और रात के 4। एक प्रहर में 3 घंटे या 3.5 घंटे होती है, जिसमें 2 मुहूर्त होती है जिसमें 1 घटी 24 मिनट की होती है। दिन के 4 प्रहर होते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। और रात के 4 प्रहर होते हैं दोष, निशित, त्रियामा और उषा। रात्रि का उषा प्रेयर और सुबह का पूर्वाह्न प्रेयर के ठीक बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त 8 पहर का राजा है, और इस समय आपको किसी भी हाल में उठ जाना है। और उस समय चलने वाली वायु को निशुल्क औषधि कहा गया है, इसीलिए कहते हैं 1 मॉर्निंग ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मेडिसिन। अब बात आता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे। देखो आपको दिन भर अपना शरीर को इतना ज्यादा थकाना है ताकि आपके शरीर को आलसी होने का टाइम ही ना मिले। रात का भोजन आपको सूर्यास्त से पहले ही खा लेना है और 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। अब जब आप सोने जा रहे हो और आप बिस्तर पर हो तो आपको अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि आपको जल्दी उठ जाना है। साथ ही अलार्म की आदत से जितना बचोगे उतना ही अच्छा है। अगर इतना आप एक सप्ताह तक डेली कर लोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में डेली आप आराम से सुबह उठ जाओ। इसके बाद आपको करना है करदर्शन। जब आप अपने बिस्तर से उठो तो अपने बिना आँख खोले अपने दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी आँखों पर लगाओ, और धीरे से अपनी आँखों को खोल कर अपने दोनों हाथों के हथेलियों को देखते हुए ये मंत्र बोलना है, ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, करवस्ते सरस्वती, कर मूले स्थितो भ्रमा, प्रभाते कर दर्शनम। साथ ही कई लोग भ्रमा की जगह पर गोविंदा भी बोलते हैं, यानी हाथ के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी है, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा जी। इन सभी का मैं प्रातःकाल वंदन और दर्शन करता हूँ। अब आपको धरती पर सीधा पैर रखना है। उससे पहले आपको धरती माँ से क्षमा मांगते हुए इस मंत्र को बार बार दोहराना है। समुद्र वस्ने देवी, व्रत वस्ने वंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमा वस्मे। यानी समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप वस्त्रों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पद से स्पर्श होने से मुझे क्षमा करें। प्रातः स्मरण के और भी कई सारे मंत्र हैं, आप चाहो तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं, पर ये इतना तो आपको करना ही। इतना करने के बाद अब कुछ पुशअप लगा लो जिससे आपका शरीर से सारा तामस निकल जाए, जिसके बाद आप सारा काम फुर्ती से करो। अब आपको अपना बिस्तर सही करने के बाद आपको कुछ मांगलिक वस्तु का दर्शन करना है। सभी वस्तु यहाँ पर लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आपके माता पिता और गुरु का प्रणाम करना है, इससे आयु, कृति और बल की वृद्धि होती है। अब आता है उषापान। उषापान में आपको सोने से पहले ही एक तांबे के बर्तन में जल भर कर रखना है। वो जल आपको अगली सुबह अपने क्षमता के अनुसार 2 या 3 गिलास पी लेना है। रात के जमी हुई लार आपके जठर के लिए अमृत तितुल्य, इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये एक अमृत ही है, इससे कफ, वायु और पित्त का नाश होता है। और हाँ, पानी हमेशा बैठ कर ही पीजिएगा। साथ ही उषापन के तुरंत बाद है सोच क्रिया। जब आपको उषापन की आदत हो जाएगी तब आपको तुरंत सोच का वेग होगा। अब ध्यान रखना, सोच हमेशा आपको मलासन में ही करना है, इससे आपको आत रोग कभी नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। हाँ, जिसको समस्या है वो वेस्टर्न पर जा सकते हैं, पर अपने पैर के नीचे कुछ पार्ट रख लीजिए ताकि आपके शरीर 35 डिग्री तक झुक जाएगा। जिनका योग पवित्र हो गया है और जिनकी शिकायत अपने सोच के समय, वो अपने वित्त योग अपने दाहिने कान पर चढ़ा लीजिए और अपनी शिखा को खोल लीजिए। साथ ही सोच के समय अपने दांतों को सटा कर रखे, जिससे आपके दांत बुढ़ापे तक मजबूत रहेंगे। ग्रंथों में कहा गया है दीर्घ संघा के बाद 12 कुल्ले और लघु संघा के बाद 4 कुल्ले जरूर करना। तब आपको करना है दंत धाव, यानी कि दांतों की सफाई, वो भी दातून से, जिसके लिए नीम, करण, आंधी झाड़ा, दाल चीनी, बबूल, पेड़ की दातून करना सही हो। आयुर्वेद के अनुसार दातून से दांत को साफ करना सही तो है, साथ में बुद्धि, आयु और प्राण की भी वृद्धि होती है। ये जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं इसका उपयुक्त
तुरंत बंद कर दो। ऐसे दंत मंजनों से उम्र भर की अनेकों बीमारियां होती हैं। इनमें फायदे कुछ भी नहीं होते। किसी दिन आप खुद रिसर्च करके इन सभी के बारे में देख लेना तो आप पूरी तरह से समझ जाओ। ये केवल इंसानों की कमाई का एक जरिया है। कई देशों में तो ये सब बैन है, लेकिन भारत में इन सभी चीजों से सब जमकर कमाई कर रहे हैं। बाकी तो आप खुद ही समझदार। पेस्ट तो क्या, टूथब्रश भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादातर तो रिसाइकल प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि आपके दांतों में माइक्रोप्लास्टिक को छोड़ते हैं, जिससे आपको कैंसर तक हो सकता है। दांतों की सफाई की बात है, जिभे निर्कलम यानी कि जीभ की सफाई। पहले तो आप टूथपेस्ट से अपने दांत को साफ करते हैं और उसी से जिभा भी साफ करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप दातून करते हैं तो दातून करने के बाद दातून को बीच में से तोड़ लीजिए और उसे टन क्लीनर के सेप मिलाकर उससे अपनी जीभ की सफाई कीजिए, या फिर सीधा सीधा टन क्लीनर ले आइए। इसके बाद आपको करना है कवल गंडू, कवल यानी कि कुल्ला करना, और गंडूस यानी तिल का तेल या फिर नारियल का तेल एक घुट इतना कुछ सेकेंड अपने मुँह में लेकर रखना है और चारों तरफ धीरे धीरे घुमाकर निकाल देना। और यदि मुँह में छाली या सूजन हो तो तिल के तेल की जगह दूध या घी के मिश्रण से भी गंडूस कर सकते हैं। भारतीयों की ये बहुत पुरानी आदतें हैं जो कि आप भूल गए हैं, पर मॉडर्न जमाना है। ऑयल पुलिंग के नाम से अब ये धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। कवल तो आपको डेली करना है, पर गंडूस आप हफ्ते में एक या दो बार आराम से कर सकते हैं। अब आता है स्नान। स्नान का भी चार नियम है। मुन्नी स्नान जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे होता है, 5 से 6 बजे के बीच होता है देव स्नान, 6 से 8 बजे के बीच होता है मानव स्नान, और 8 बजे के बाद का स्नान होता है राक्षस स्नान। अब आप खुद समझिए कि आपको स्नान कब करना है। सुबह का स्नान तो आपको हमेशा ठंडे पानी से करना है। इससे शरीर में वीर्य और प्राण की वृद्धि होती है, आंखों का तेज बढ़ता है, साथ ही जठराग्नि मजबूत होती है, आलस से सब निकल जाता है। हाँ, ठंड में हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हो, पर गलती से भी गर्म पानी अपने मस्तिष्क पर मत डालना। गर्म पानी सर पर डालने से आग, हृदय और बाल की बीमारियां होती है, इंद्रियों में से शक्तियां निचोड़ जाती है। अब स्नान की विधि क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, पूरी तरह से नग्न होकर स्नान मत करो। सर पर जल डालकर ऊपर से नीचे स्नान करो। और हाँ, अगर साबुन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ही ज्यादा बेटर, और अगर इस्तेमाल करना ही है तो आयुर्वेदिक इस्तेमाल करो। और मैं आपको कहता हूँ कि दूध, दही और मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का इस्तेमाल करो। ये सभी आपके साबुन से सस्ती आती है। और भी बहुत कुछ बेसिक नियम है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।